बेरोजगारों द्वारा भोपाल में नौकरी की मांग किए जाने पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बाद मामला तुल पकड़ता जा रहा है। जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में युवक युवतियों द्वारा नौकरी देने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल युवकों द्वारा अर्धनग्न होकर रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। बेरोजगारों ने नौकरी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल स्थानीय इंद्रजीत छात्रावास के गेट पर प्रशासनिक आदेश के बाद ताला जड़ दिया। जाने से छात्रावास के बाहर ही धरना दिया। धरने के दौरान बेरोजगारों ने कहा, सरकारें जो भी हों सभी ने नौकरी देने का आश्वासन दिया, लेकिन नौकरियों के लिए भर्ती शुरू नहीं की गई, जिससे आक्रोशित होकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ रहा है। वहीं बेरोजगारों द्वारा अर्धनग्न होकर थाली बजाते हुए सरकार के विरोध में रैली निकाल कलेक्टर रेट में नौकरी की मांग को लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे, जहां टीआई राजेश यादव सहित पुलिस टीम मुस्तैद रही। कलेक्टोरेट का गेट बंद कर दिया गया, यहां तक कि एसडीए घनश्याम धनगर ने भी ज्ञापन गेट के अंदर से ही ले लिया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले प्रदर्शनकारी कलेक्टर गेट के अंदर तक नारेबाजी करते हुए चले गए थे। सरिता सिसोदिया सर, जितनी जल्दी हो सके पुलिस भर्ती करवाओ, अदर जो नौकरियां है वो भी करवाओ, क्योंकि लड़कों की जब नौकरी लगे, हमारे माँ बाप भी यही चाहते हैं कि हमारी बेटी खुश रहे और अच्छा नौकरी वाला लड़का मिले। अगर लड़कों को नौकरी नहीं मिलेगी तो हमारी शादी के खेती वाले से होगी, और हम इतने पढ़े लिखे हैं अब खेती में हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने शुरू से काम नहीं किया है तो अब खेती में कैसे काम करेंगे। अगर नौकरी होगी तभी तो आगे कुछ बढ़ेंगे ना। और जितनी जल्दी हो सके आप पुलिस भर्ती करवाओ, अदर जो नौकरियां हैं वो भी निकलवाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बोले। सुमेर सिंह बड़ोले, आज किस बात को लेकर आंदोलन? पिछले कई सालों से बेरोजगारी की मांग उठ रही है, समय समय बेरोजगारी युवा आंदोलन करते हैं, ज्ञापन देते हैं, लेकिन सरकार किसी प्रकार सुनवाई नहीं कर रही है। उसी तारतम्य में हम लोग बेरोजगार इस दंश बीमारी से लड़ने के लिए हम लोग आए हैं कि सरकार हमको रोजगार दे, क्योंकि 1 लाख पर 1.5 लाख समथिंग पद खाली है। सरकारें आती है, वादा करती है कि यार हमारे पद भरे जाएंगे, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन भर्तियाँ कहीं ना कहीं प्रकाश हटा जाती, कोई सुप्रीम कोर्ट में केस लग जाता है, कहीं फलाने जगह होते, कोई स्कैम हो जाता है बड़ा बड़ा, लेकिन बेरोजगार युवा, एक किसान का बेटा जब शहर में रहता है लाखों रुपए खर्च करके वो लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन नौकरी के नाम पर उसको कुछ नहीं मिलता है। अब आते हैं ओवर एज हो जाता है वो आदमी, फिर आकर घर आता है ना, वो घर का रहता है ना घाट का रहता है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी मामा हमको नौकरी दे, मोदी सरकार हमको नौकरी दे। आपने 2 करोड़ नौकरी का हमने नहीं बोला था कि आप हमको नौकरी दो, लेकिन आपने कहा 2 करोड़ मेरी सरकार बनेगी, 2 करोड़ नौकरी देंगे। आपकी सरकार बराबर बनी तो आपका फर्ज बनता है। 2 करोड़ नौकरी, 6 साल हो गए, 12 करोड़ नौकरी आपकी कहाँ है वो हम पूछना चाहते हैं। मामा बोलते मेरे भांजे और भांजों में तुम्हारा भांजा मामा हूं, तो मामा ऐसे मामा होता है, उसके भांजे आज सड़कों पर नंगे घूम रहे हैं, अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हैं, तालियां बजा रहे हैं, कहां गई वो सरकार, कहां गया हमारा मामा। तो ये बड़ी बड़ी बातें जुमले नहीं चलेंगे, हम रोजगार की बात करो। अब मध्य प्रदेश में वही राज करेगा जो रोजगार की बात करेगा, वरना फालतू काका और मामा कहीं आएंगे। हम किसी को बख्शने वाले नहीं है, ये सिर्फ अभी पिक्चर है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हम अर्धनग्न प्रदर्शन भी करेंगे, भोपाल में भी करेंगे, और समय आने पर अनशन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे, और अगर मरने पर भी करते हैं, हम लड़ते लड़ते हम मर जाएंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। वॉइस ऑफ लाइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।